हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया हो गए। तो गुड मॉर्निंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ, गुड मॉर्निंग के लिए गुड आफ्टरनून है क्योंकि 1 या 2 बज रहे हैं शायद। तो हाँ यार, मैं लेट ही उठता हूँ बिकॉज क्योंकि मैं रात को लेट सोता हूँ एडिटिंग वेडिटिंग करके, थोड़ा काम वाम करके, और उठता भी लेट ही हूँ मैं। तो इस व्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ कि मेरा एक ड्रीम था जो मैं बहुत जल्दी पूरा करूँगा, और मैंने मम्मी को एक चीज़ प्रॉमिस किया था कि मैं करूँगा तो करूँगा तेरे लिए। हाँ, मैं मम्मी को तेरे तू मैं ही बोलता हूँ क्योंकि बचपन से आदत है और ऐसे ही बोला है। तो इस व्लॉग में हम दिखाने वाले हैं कि मम्मी को मैंने क्या प्रॉमिस किया था। हाँ जी, तो आगे मिलते हैं और आपको दिखाएंगे कि मैंने मम्मी से क्या प्रॉमिस किया था, मैं मम्मी को क्या दिलाने वाला हूँ इस बार। कुछ तो होगा धमाका। तो ठीक है गाइस, हम लोग आगे मिलते हैं। तो मैं तैयार वैर होकर शूट पर आ गया हूँ अभी। जो सरप्राइज था वो मैं शाम को जाऊँगा, तो उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा इसके अंदर कि हम शूट कैसे करते हैं। हाँ जी, मैंने इससे पहले भी व्लॉग बनाया था, वो तो ऐसे तैसे बन गया था जैसे तैसे, पर अभी जो जो मेरा शूट होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग शूट करते हैं, फिर शाम को मैं जहाँ जाऊंगा फिर आपको मैं वो दिखाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं शूट के वक्त। उससे पहले मिल लो, ये रोहित है जो मेरे साथ 3 साल हो गए तेरे को, 2 साल 3 साल, हाँ 3 साल हो गए मान लो। ठीक है ना, ये मोनू को भी 3 साल हो गए। आसिफ है जो मेरी हर YouTube की वीडियो में होता ही है लड़का। मुझे हो गया होगा कम से कम 1.5 साल तक, 1.5 साल हो गया होगा ना, 1.5 साल। हाँ, इसको 1.5 साल हो गया होगा। ज्यादा हो गए तो आज ज्यादा बंदे नहीं आए हैं शूट पे, पता नहीं सब कहाँ कहाँ मर रहे हैं। तो आज हम लोग ही 4 हैं, तो अभी शूट करेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे कैसे शूट करते हैं, बाकी मिलते हैं आगे। तू तो स्मार्ट ही है भाई, पैदासी। तो मैंने सोचा कि आज पहले फोटो शूट करा लूँ, मैं थोड़ा अपना अच्छा सा लग रहा हूँ, तो मैं फोटो शूट कराऊंगा अपने ये 13 प्रो से। इसका कैमरा बहुत अच्छा है, कैमरा फेल है। हाँ, उससे पहले आपको हम लोकेशन दिखाते हैं भाई, जहाँ शूट करते हैं वहाँ लोकेशन दिखा दें, पूरा घुमा दें। ये भाई साहब फोटो क्लिक करेंगे और ये अपनी फोटो क्लिक करवा रहे हैं। फोटो पोस्ट करूंगा YouTube पे, तब देख लेना, बाकी मिलते हैं आगे। ठीक है ना, ठीक है ना, चलो रुक जाओ। रेडी 3 2 1 पता है हराम ही हो बेटा। मजे ले रहा यार, देख रहा है कुछ नहीं कर रहा। मैं पापा चल डाल दूंगा पानी, पानी में मजा नहीं आ रहा यहां, पता है क्या यार, थोड़ा पीछे कर लो, थोड़ा पीछे लिटाओ, थोड़ा लगाओ, क्या हुआ ऐप पे यार, थोड़ा पीछे लिटाओ, पट्टी नहीं कर रहा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, थोड़ा पीछे लिटाओ। नहीं चलो, थोड़ा आगे लेट जा, एक काम कर, पानी दिख रहा है, जल्दी करो यार। भाई टाटा। हेलो एवरीवन, तो नाइट में मैं कहीं जा नहीं पाया बिकॉज मैं कहीं पार्टी में चला गया था, तो वो शूट नहीं लिया और इसका मैं अगला दिन लग चुका है। तो अभी मैं नहा धोकर रेडी हो गया हूँ, तो शूट पर तो भी जा रहा हूँ मैं आज। मैंने बोला था आपको जो मम्मी का सरप्राइज़ है मैं वो चीज़ आपको दिखाऊंगा, तो अभी मम्मी तो घर पे है नहीं, मम्मी गई हुई है कालची घर पे, तो मम्मी उनके घर पे जाऊँगा, फिर मम्मी को वहाँ से लूँगा, फिर जो सरप्राइज़ था मैं वहाँ लेके जाऊँगा। फिर सरप्राइज़ क्या था, वेटिंग 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 गाइस, आगे दिखाते हैं, तो मिलते हैं आगे। तो मम्मी को फ़ोन करके मैंने भेज दिया जहाँ पे जाना था, तो मैं डायरेक्ट मम्मी को वहीं पर मिलूँगा। और ये कांची तो जानता है, कौन कौन जानता है? मैं जानती हूँ।
अपने आप को जाने तो किसको जाने दी मुझे, तो मिलते हैं। सो फाइनली मैं मम्मी पास पहुंच चुका हूं और मम्मी को जो प्रॉमिस किया था वो भी मैं ऑर्डर दे चुका हूं, तो आज हमारा फाइनली बुक हो चुका है गाइस। सो गाइस बुक करने के बाद मैं पूरे एक महीने बाद वहां पे जा रहा हूं जेवर के शॉप पे। जो चीज़ मैंने मम्मी के लिए बुकिंग किया था आज मैं वो लेने जा रहा हूं। सो गाइस अभी मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूं, उतरते उतरते ये मैं नीचे की तरफ उतरता जा रहा हूं। और अभी मेरे साथ एक लोड हो गया, अभी बताने वाला हूं मैं। सो गाइज मैं अब रुकने वाला हूँ ये तो रुक गया, अब मेरी स्कूटी की चाबी ऊपर रह गया, तो मैं आवाज मार रहा हूँ कि भाई मेरी चाबी लेके आ, चाबी लेके आ, चाबी लेके आ। तो ठीक है वो लेके आ रहा है और अपन चलते हैं नीचे 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 ये। तो ये मेरी पार्किंग है गाइज, तो पार्किंग से मैं बाहर निकलने जा रहा हूँ। निकल जल्दी निकल ब्रो। यस फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ। सोमन भाई आ गया, मैं स्कूटी चाबी मांग रहा हूँ, साले ने फेंक दिया मेरी स्कूटी की चाबी तो मेरी मम्मी पहले पता नहीं आगे कहाँ जा चुकी है, अब मैं मम्मी को जाऊँगा आगे लेने। फाइनली मम्मी मिल गई है गाइस मेरी, और मम्मी मेरे को चिल्ला रही है कि जब देखो वीडियो बनाता रहता है तो मुझे ऐसे ही आ गई। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट, अभी रास्ते में हैं। ये बहुत खुश हुई है गाइस, जो मैंने ड्रीम था वो ड्रीम पूरा करने जा रहा हूँ। सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपनी मंजिल पर मम्मी को लेके। सो तो गाइज मम्मी अंदर जा चुकी है, अब मेरी बारी अंदर जाने की, मैं आ गया हूँ अंदर। तो हमने जो बुकिंग किया था अब वो बुकिंग हम देखने वाले हैं कि कैसा लगेगा। सो फाइनली सरप्राइज़ आप सबके सामने आने वाला है, देखो देखो। सो अभी देखो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये मतलब हमें थोड़ा लूट रहे हैं कि ये टैक्स लगेगा वो टैक्स लगेगा, अलाना ठिकाना फिनकाना वो अपनी थोड़ी वो सुना रहे हैं कहानी। तो अभी हम लोग सुनते क्या लूट रहे हैं कि ये टैक्स लगेगा वो टैक्स लगेगा, अलाना ठिकाना फिनकाना वो अपनी थोड़ी वो सुना रहे हैं कहानी। तो अभी हम लोग सुनते क्या थोड़ा सोच रहे हैं पैसा और ज़्यादा खा ले, पर क्या करें यार, हम खाने नहीं देंगे यार, जो खाना वो तो खा के रहेंगे ये। तो सारी बात हुई अब अपने को क्लियर, तो अभी हम बोल रहे हैं चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब हमारा सरप्राइज़ जल्दी से दिखा दो ये। सो फाइनली गाइस ये आ चुका है मम्मी के कंगन। तो गाइस मैंने बहुत मेहनत किया इस कंगन के लिए, और मैंने मम्मी को एक बोला था एक दिन कि मैं तुझे कंगन दूंगा। तो फाइनली कंगन बन चुका है और टोटली ये कंगन बना है 2,65,000 रुपये का। मम्मी को मैंने गिफ्ट दिया है, लव यू सो मम्मी, ये देखो। सो अभी हमारा कंगन तैयार हो चुका है, डब्बा अब्बा आ चुका है गाइस। तो अभी मैं ले रहा हूँ, अब मैं मम्मी को ये कंगन पहनाऊँगा। पहनाने से पहले आप सबको दिखा दूँ, तो मम्मी ले पहन इसको, जल्दी पहन ना, ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना ये। तो मम्मी कंगन पहन के ये मम्मी क्या बात है बेटा ये पहन के फुल दिखा रही है मम्मी। सो गाइस मम्मी तो नर्वस हो गई है, पर मैंने उन्हें नहीं दिया और मैं गेट से बाहर निकल चुका हूँ। सो फाइनली गाइस मैं बाहर निकल चुका हूँ, थोड़ा मास्क निकाल लूँ तो यही सरप्राइज था, क्योंकि मैंने अभी सुनी जब मैं स्कूल टाइम में था तब से मैंने मतलब मम्मी को प्रॉमिस किया था कि मैं मतलब तुझे सोने का कंगन दूंगा। तो आज फाइनली मेरा वो ड्रीम पूरा हो गया और आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, क्योंकि एक ड्रीम मेरा एक हो रहा है, वो मेरा खुद ड्रीम है, मतलब मेरे को अपने लिए करना है, मैंने वो भी नहीं किया अभी, वो मैं करूँगा धीरे धीरे। लेकिन एक सेकंड, बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमेशा हमें सपोर्ट करते रहना और हमेशा फिर ऐसे ही प्यार करते रहना, ताकि मैं धीरे धीरे अपने सपने और मेरे फैमिली के सपने मैं पूरा करूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये सब जो भी किया मैंने आप लोग की वजह से किया है। बाकी मम्मी क्या आंखों में थोड़ी सी आंसू आ गया था, लेकिन मैं बाहर आ गया ये बोल के कि मैं शूट के लिए लेट रहा हूँ, और सच में मैं शूट के लिए लेट हो रहा हूँ, तो इसलिए मैं अब निकलता हूँ शूट के लिए। और इस शूट में आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैं आज कौन से लोकेशन में जा रहा हूँ, और कुछ भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है गाइस, इसलिए बोल नहीं पा रहा, तो मेरी स्कूटी ये रही। तो अभी हम लोग निकलते हैं और अभी जा रहा हूँ शूट पर मैं, तो वहाँ मिलते हैं। तो
तो मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को कैसा लगा ये मेरा जब मैंने अपना ड्रीम पूरा किया है। तो मिलते हैं आगे। तो अभी स्कूटी वगैरह लगा के मैं आगे आ चुका हूँ और अभी मैं एंट्री करूँगा। ये जगह है एडवेंचर स्टैंड मेट्रो वॉक, जहाँ पे पीके मूवी शूट हुआ था। अभी लोकेशन दिखाऊंगा तो आई थिंक आप लोग समझ जाओगे। तो चलते रहते हैं आगे। सो फाइनली मैं एंट्री कर चुका हूँ और मेरे को गेट पे मिल गया है रोहित। ये बड़ा खुश हो रहा है कैमरे में देख के, क्या बात है। सो मैं ओवरवाइज करना पड़ रहा है मेरे को इस चक्कर में, क्योंकि पीछे गाने चल रहे हैं मेट्रो वॉक में। सो गाइस ये जगह देखो, ये वही जगह है जहाँ पीके मूवी शूट हुआ था। तो अभी मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ कि इसको मेरे पास कितने साल हो गए हैं और इसके साथ बहुत गंदा सीन हुआ था, क्योंकि शूट वूट पर नहीं आ रहा था, क्योंकि बेचारे ने ना अभी बहुत मुश्किल से आईफोन 14 लिया था और फिर वही 10 दिन भी चलाया मुश्किल से और 10 दिन बस का फ़ोन चोरी हो गया। और सबसे बड़ी बात, उसने ये वो फ़ोन लिया था तो किसे उधार लेके लिया था। ओए होए, ऐसे दिन कभी ना आए यार किसी के, फिर भी बंदा खुश रहता है। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब पता नहीं मैं क्या बोला जा रहा हूँ, अब मैं भूल गया। सो चलो ठीक है, मिलते हैं गाइस आगे आगे। तो यार हम लोग अभी शूट की जगह पहुंच गए हैं और अभी हम लोग के लोकेशन पर भी आई थिंक पहुंच ही गए हैं। सो गाइस अभी हम लोग करेंगे शूट, आप आपको दिखाएंगे थोड़ा बहुत शूट कि हम लोग शूट कैसे वैसे करते हैं। 3, 2, 1 आती नहीं है थोड़ा बहुत। तो शूट हमारा स्टार्ट हो गया है। ये इसे डायलॉग बुलवा रहा हूँ, ये देख लो बाकी लोकेशन कैसा लगता है गाइस। मज़ा आता है ना, अपन को ही मज़ा आता है घूम घूम के। तो डायलॉग किसने, इस बंदे ने ये डायलॉग 15 बार में बोला एक डायलॉग, दिमाग ख़राब हो गया था। सो रात हो गया गाइस और हम लोग का सबका शूट हो चुका है। मैंने भी रील वगैरह बना लिया, यूट्यूब के लिए स्टोरी वगैरह बना लिया है। सो अभी ये सब बैठ के एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग के निकलते हैं घर के लिए। उससे पहले आप ये थोड़ा बहुत हमारा लोकेशन देख लो, मैं थोड़ा आगे तक नहीं गया क्योंकि आलसी हूँ, यहीं दिखाते हैं शूट किया मैंने। बाकी आओ गाइस और घूमो इन्जॉय करो। यार मैं बहुत खुश हुआ, आई मीन मेरे से ज़्यादा मम्मी खुश हुई, क्योंकि मैंने अपना ड्रीम पूरा किया और मम्मी को मतलब सोने का कंगन पहनने का बहुत शौक था। तो बहुत अच्छा लगा गाइस, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बहुत, मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा लगा। अब मेरे को अपना ड्रीम पूरा करना है, जो कि मैं आपको व्लॉग में बताऊँगा नेक्स्ट व्लॉग में कि मेरा नेक्स्ट ड्रीम क्या है। देखते हैं कब पूरा करते हैं, जब भी पूरा करेंगे तो मैं व्लॉग ज़रूर डालूँगा, तो पता ना गाइस। तो ऐसे गाइस सब लोग गाइस मेहनत करते रहो और हो सके तो सबसे पहले फैमिली का ड्रीम पूरा करो, फिर अपनी पूरा करना। सो हम लोग व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और थैंक यू सो मच गाइस मेरे व्लॉग के साथ हमेशा ऐसे ही बने रहना। तो मेरे को नेक्स्ट व्लॉग में बताना कि मैं नेक्स्ट व्लॉग किस टाइप का बनाऊँ। ओके सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। लाइक ज़रूर करना गाइस, कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है यहाँ तक आने के लिए। बाकी और आगे ले जाना आप लोगों का। मैं तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा।